मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं यहाँ 17-18 साल से रह रही हूँ और हमारा मैं दोनों मियाँ बीवी रहते थे। 3 मुझे बच्चे थे, 5 नंबर 5 थे। हमारा आर्मी कर मुझे बीए अरमान था। हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छा आगे बढ़े। अचानक हमारे आदमी को किडनी पेशेंट किडनी का प्रॉब्लम हो गया। हमारा आदमी ख़त्म हो गए और मेरा बच्चे का पढ़ाई के लिए अब कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे लेकर के हूँ और मुझे अरमान हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसमें इतना कॉलेज का फीस है, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि मैं फीस नहीं दे सकती हूँ, भूख नहीं दे सकती हूँ। और हमारे बच्चे जो है वो 5 बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन देते हैं, उससे मैं अपना बच्चे अपना पेट भरती हूँ। और ये झोपड़पट्टी में हूँ, रूम भी ऐसा है जो कि बीपीटी का है, कभी बुलडोजर भिराएंगे कभी तोड़ देंगे। इसके लिए मुझे कुछ मदद चाहिए जो कि मैं आगे अपना आदमी को स्वर्गीय हस्बैंड को जीवन का कल्याण दे। उनको अरमान था हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे संस्कार के बने, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ रह रही हूँ। My name is Avelino Faria. I stay in Mahim with my along with my parents and my brother. My dad is the only worker in the family, and my mom is a housewife. So my dad works on daily wages. So it's not sufficient enough for my dad to run the house as well as to pay my college fees. So I would love that someone would help me for my education so that I can change my family's future as well as mine and have a bright future since my college fees are very high, so it's not sufficient enough for my dad to pay the fees. Thank you.